अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कैप्रिस स्पाइनोसा, ये एक वाइल्ड जो है ना जड़ी बूटी है, इसके जो फल है ना, इसके जो बड्स है, फ्लावरिंग बड्स जो है, प्री मैच्योर बड्स, इसका अचार भी बनता है, इसका सालन भी बन सकता है। तो मैं आपको जो है ना इसका सालन कैसे बनता है, कैसे इसकी चुनाई की जाती है, छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। आइए देखें, कैप्रिस पौधे का जो फूल है ना, वो इस तरह से बिल्कुल वाइट कलर का बहुत खूबसूरत फूल होता है। लेकिन बिफोर ओपनिंग द बड्स, इसकी ये हालत होती है, जिसको हम चुनते हैं इसको और इसको पहले पानी में बॉयल करते हैं हल्का सा। उसके बाद अगर आप उसको सालन बनाना चाहें तो देसी तरीके से, जिस तरह आम सालन बनाते हैं, देसी घी के तड़का लगा के जो है ना, आप इसको सालन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको अचार बनाना चाहें तो आप नेट पर सर्च कीजिएगा, कैप्रिस का जो अचार है ना, ये बहुत ही मकबूल है दुनिया में। इसका सालन भी अच्छा, जब ये जो फूल है ये जब जड़ जाते हैं तो छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं इसके, जो 3-4 इंच लंबा होता है और खीरे की तरह होता है। उसको भी जो है ना अचार बनाया जा सकता है। इसका जायका जो है ना करेले की तरह ज़रा कड़वाहट माइल है, लेकिन है बहुत मज़े की है। मैंने अभी से कीमे के साथ मिला के पकाएं तो इसका जायका जो है ना दुबाला हो जाता है। इस तरह की जो टोपोग्राफी है, इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जो इस तरह के वाइल्ड टेरियंस है, इधर आप आसानी से इसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं इसको। दोस्तों ये देखिए, कैप्रिस जो है ना 2 मिनट हमने बॉयल की है और इसकी ये देखिए नरम पड़ गया है और ये इसकी हालत हो गई। अब हम इसे पानी निथारने के लिए उतार लेंगे। उसके बाद जब पानी निचड़ जाए, उसके बाद जो है ना आप इसको दो तरीक़े से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इसे जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर अचार, जिस तरह बाकी सब्जियों के अचार बनते हैं, उस तरह से आप अचार बना सकते हैं। दूसरा, आम तरीके से सालन में आप डाल के अपने मर्जी से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना, जिस तरह आप दूसरी सब्जियां पकाते हैं, उसी तरह आप इसको एज ए सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।